देखिए, बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो वहां सरकार चल रही है वो एक धर्म विशेष के संरक्षक बन गई हैं। चाहे वो रोहिंग्या वहां आ जाए उसके लिए रेड कारपेट, और वहां से योगी जी को कोई थ्रेट करे ये देश को बर्दाश्त नहीं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का और देश के लिए सनातन का प्रतीक, अगर उनका विरोध होता है तो है नहीं हिम्मत। बंगाल तो जाएंगे ही चुनाव में, और ऐसे भी कोई रोक नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को बंगाल जाने से रोक ले। क्या लग रहा है बिहार का जो राजनीतिक हलचल है उस पे आपका क्या बयान है? लगातार बैठक का दौर जारी है, लोग अपने अपने स्तर से दावा कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में पास। दावा क्या, दावा तो हो चुका है राज्यपाल के यहाँ, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्ट्रेंथ का पूरा दे दिया है कि हमारे पास इतने हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। अब जिनको रात में नींद नहीं आता है, दिन में नींद नहीं आता है, वो दावा ठोक रहे हैं। कई ऐसे बीजेपी के विधायक है, बैठक है, लेकिन अभी तक यहीं पे मौजूद है। बीजेपी के विधायक कोनो जेल में थोड़े बंद है। बीजेपी के विधायक अभी बेगूसराय में है, बेगूसराय से चले जाएंगे जब पार्टी जिस समय बुलाती है। कोई चुनाव से पहले जेएनयू में दो छात्र संगठनों में हिंसक झड़प हो गई है। सर एक बार ये सवाल मेरा एक है, जो कांग्रेस पर एक बार यूपीए 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, जब वित्त मंत्री ने ऐसा सीतारमन ने कहा कि 2014 तक यूपीए की सरकार थी जब भ्रष्टाचार कुशासन से चिन्हित था, इसको लेकर के क्या कह रहे हैं? पूरा देश कल देखा नहीं सदन के अंदर में 2004 से 2014 के कार्यकाल में हर दिन संदेह के घेरे में वो सरकार फंसी रही, चाहे कोयला का हो, चाहे टेलीकॉम का हो, चाहे जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, आसमान, सब जगह भ्रष्टाचार के दलदल में सरकार फंसी रही, और वित्तीय स्थिति की हालात इतना खराब कर दी। ये तो धन नरेंद्र मोदी जो उस गड्ढे को बढ़ करके, और आज पूरे दुनिया में भारत पांचवें स्थान पे चला गया, ये नरेंद्र मोदी जी के मैनेजमेंट के कारण हुआ। नहीं तो वाजपेयी जी ने जब दिया था सत्ता, कांग्रेस को मिला था यूपीए, उस समय की आर्थिक स्थिति, 14 में जब आए तो सारे कंगाल बना के चला गया कांग्रेस। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गारंटी देते उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को तीसरे पर ले जाने की उन्होंने तैयारी कर रखी है 1.5 साल से। 200% नरेंद्र मोदी अगली बार आएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के तीसरे नंबर पर जाएगी।